नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेंद कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। तो ऐसा है कि हमारे अस्पताल के एनआईसीयू में एक झाड़ी में फेंका हुआ शिशु कल भर्ती कराया गया, और जिस समाज सेवी पेरेंट्स ने इस बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को इसकी सूचना दी, वो लोग अब इस बच्चे को गोद लेने में इंटरेस्टेड है। तो भारत में किसी भी बच्चे को गोद लेने की क्या प्रक्रिया है और उसके लिए क्या करना होता है, किससे मिलना होता है, कौन सा फॉर्म भरना होता है, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसमें कुछ खर्च लगेगा, तो इन सारे सवालों का जवाब आगे की हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो इस चीज को कारा के माध्यम से रेगुलेट करता है। तो कारा क्या है? तो चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा का फुल फॉर्म हुआ, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। किसी भी बच्चे के एडॉप्शन से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए या जो प्रक्रिया है उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाके जानकारी हासिल करनी होगी और एक फॉर्म फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि किसी बच्चे को गोद लेने के लिए जो भी पेरेंट्स इच्छुक हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या होना चाहिए। तो नंबर वन पर है, इससे पहले कि हम पॉइंट्स को शुरू करें, हम दो चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि किसी भी बच्चे के जो जैविक बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जैविक माता पिता हैं, यानी जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया है, उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स। लेकिन अगर कोई किसी कारण से वो उस बच्चे का केयर करने में सक्षम नहीं है और कोई दूसरे पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं उस बच्चे का केयर करने के लिए, तो उनको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स। तो ये दोनों टर्म बीच बीच में आपके पास हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स है, मतलब जो गोद लेने में इच्छुक है, उनको खुद भी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, कहने का मतलब शारीरिक, मानसिक और इमोशनल रूप से वो स्टेबल हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, उन्हें किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग नहीं हो जो छुआछूत से फैलता है, और वो उन्हें किसी भी प्रकार की जानलेवा बीमारी नहीं हो जिससे उनकी जान बहुत जल्द जाने वाली है, मान लीजिए कैंसर है, कुछ है इस तरह की बीमारी, ऐसा रोग नहीं, वो ही दंपति किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है इसमें है कि कोई भी अडॉप्टिव पेरेंट्स जिनका वो शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, उन्हें अपना बायोलॉजिकल संतान है, मतलब उन्होंने अपने अपने संतान को जन्म दिया है और वो एडॉप्शन की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें ये तीन शर्त का पालन करना होगा। उसमें पहली है कि दोनों पति पत्नी दोनों का कंसेंट अनिवार्य है, यानी दोनों की सहमति होनी चाहिए बच्चे को गोद लेने के लिए। अगर एक ने भी मना कर दिया तो आप शादीशुदा हैं तो आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप फीमेल पेरेंट्स हैं यानी महिला है, तो आप किसी भी जेंडर के बच्चे को गोद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पुरुष हैं और गोद लेना चाहते हैं तो आप किसी महिला लड़की बच्चे को आप गोद नहीं ले सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है कि किसी भी परिस्थिति में जो दंपति गोद लेना चाहते हैं उनका मैरिटल स्टेट रिलेशनशिप जो है, उनका जो वैवाहिक संबंध जो है, 2 साल तक अगर स्टेबल रहा है, उसमें कहीं किसी प्रकार का डाइवोर्स की बात नहीं आई है, वही दंपति किसी बच्चे को गोद लेने के लिए सक्षम है। हमारा चौथा पॉइंट है कि अगर जो दंपति गोद लेना चाहती है, जिस दिन उन्होंने किसी बच्चे को गोद लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उनकी आयु कितनी है ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। इसमें डिटेल में ये है कि अगर आप किसी 0 से 4 वर्ष तक के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो पति पत्नी दोनों की आयु का योग 90 साल से कम होना चाहिए, और अगर आप सिंगल पेरेंट हैं आप गोद लेना चाहते हैं तो आपकी आयु 45 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप 4 साल से ऊपर और 8 साल तक के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो पति पत्नी दोनों की आयु का योग 100 साल से कम होना चाहिए, और सिंगल पेरेंट के केस में उनकी आयु 50 साल से कम होनी चाहिए। अब है कि अगर आप 8 साल से बड़े और 18 साल तक के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं
तो पति पत्नी दोनों की आयु का योग 110 साल से कम होना चाहिए, और सिंगल पेरेंट यानी एक कोई पेरेंट है तो उसकी आयु 55 साल से कम होनी चाहिए। तो ये हुआ कि आपकी एज कितनी होगी तभी आप गोद दे सकते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में जो बच्चे की आयु है और पति या पत्नी या जो उसके एडॉप्टिव प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनकी आयु का जो डिफरेंस है किसी का भी, वो 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। यानी उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी 2 साल के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो पति और पत्नी दोनों की आयु 27 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप किसी अपने ब्लड रिलेशन वाले बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो ये एज क्राइटेरिया उसमें लागू नहीं होगा। और सबसे अंतिम या 8वां जो विषय है उसमें है कि अगर आप दंपति गोद लेना चाहते हैं बच्चे को और आपके अपने 3 या इससे ज्यादा बच्चे हैं तो विशेष परिस्थिति में ही आपको गोद लेने के लिए परमिशन मिलेगा। सामान्य तौर पर आप किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन के समय। तो हम अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे जरूरी है कि आप फैमिली का, आपका जो भी दंपति है उनका करंट फोटोग्राफ्स चाहिए, और जो भी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं उनका फोटो चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। उसके अलावा आपका पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स। इसके अलावा आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी आवासीय प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट कार्ड या करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल, ये होना चाहिए। आपका प्रूफ ऑफ इनकम ऑफ लास्ट ईयर होना चाहिए, जिसमें आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट आपको केंद्र या राज्य सरकार से जो इशू हुआ है वो दे सकते हैं, या अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो आप ITR फाइल करते हैं वो भी आप इनकम प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। यह इसलिए अनिवार्य है कि आप सक्षम है कि नहीं, कि आप जिस बच्चे को गोद ले रहे हैं उसका पालन पोषण कर पाएंगे कि नहीं। अगला है कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसमें डॉक्टर का रोल आ जाता है कि आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से जो भी प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो किसी इस तरह के क्रोनिक, जैसा मैंने बात किया कि क्रोनिक या संक्रामक या किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित नहीं है, इससे जुड़ा हुआ प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और अगर आप मैरिड कपल हैं तो आप दोनों दंपति का आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना है, और अगर किसी तरह का डाइवोर्स या डिक्लेरेशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मामला है तो उसको आपको अपलोड करना है। इसके अलावा 2 लोगों से आपको रेफरेंस लेटर इन सपोर्ट ऑफ एडॉप्शन की आप बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो ये लेटर आपको किसी 2 एक्विटेंस या रिलेटिव से आपको दिलाना पड़ेगा। और 10वां जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसमें है कि अगर आपके घर में 5 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है तो उसकी भी सहमति चाहिए अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आपको जो कारा की वेबसाइट है उस पर जाना है और उसमें खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के दौरान आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, आयु, कहाँ रहते हैं, पता, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स उसमें आपको भरना है। अगर आप खुद इंटरनेट फ्रेंडली हैं तो आप खुद से भर सकते हैं, या कहीं भी बहुत सारे सोशल एजेंसी हैं जो इस काम में मदद करती है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर फोरम है, वो भी इसमें मदद करते हैं, या आप किसी साइबर कैफे में जहां आपका कोई जान पहचान है वहां पर आप इस साइट पर जाकर सबसे पहले खुद को रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद अब जो दूसरा स्टेप होता है उसमें होम विजिट होता है, तो इसमें एक सोशल वर्कर आपके घर पर आते हैं और आपके घर का वातावरण देखते हैं कि हाँ, यहाँ जो वो एडॉप्टेड चाइल्ड आएगा वो उसके लिए क्या ऐसा माहौल है कि आप उसका पालन पोषण कर पाएंगे। इसके अलावा वो आप
आपके काउंसलिंग से संबंधित, बच्चे के एडॉप्शन से संबंधित आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपके कुछ क्वेरी रहते हैं उसका आंसर और उसका जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे क्या करना होगा। ये होम वेरिफिकेशन होने के बाद आप तीसरा जो स्टेप होता है वो रेफरल ऑफ द चाइल्ड होता है। अब आपको एक मतलब बच्चों जिस बच्चे को आप गोद लेना चाहते हैं, हाँ फॉर्म भरने में आप किसी खास बच्चे को सेलेक्ट नहीं कर सकते कि हम इसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। फॉर्म भरने के समय आपको स्पेसिफिकेशन देना होता है कि बच्चे का आयु ये होना चाहिए, उसका जेंडर ये होना चाहिए, यानी लड़का होगा या लड़की होगा, उसका कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, हाइट वेट, ये सब आप स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने के समय आप ये प्रेस नहीं कर सकते कि नहीं मुझे इसी बच्चे को गोद लेना है। तो जब आपने फॉर्म भर दिया, आपका होम विजिट हो गया, तब आपको जो सोशल वेलफेयर कमिटी है वो रेफरल ऑफ द चाइल्ड करती है, यानी वो अब आपको बच्चों से मिलवाती है जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि उनमें से कौन सा बच्चा आपके लिए सुटेबल है, जिसकी आप अच्छे तरह से देखभाल कर सकते हैं। और आपको कुछ समय भी दिया जाता है, नियर अबाउट 48 आवर्स आप के अंदर आपको एक बच्चे को सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद जो चौथा स्टेप है उसमें होता है एक्सेप्टेंस ऑफ चाइल्ड, यानी अब उस बच्चे के साथ आप कंफर्टेबल है कि नहीं, आप उसकी देखभाल कर पाइएगा कि नहीं, इसका प्रक्रिया का निराकरण होता है। आपको कुछ समय भी दिया जाता है उस बच्चे के साथ रहने के लिए। अब जो पांचवा स्टेप है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यहीं से आपका जो लीगल प्रक्रिया है वो शुरू होती है, वो है फाइलिंग ऑफ पिटीशन। तो इसमें कोई भी जो लॉयर होते हैं वो आपके बिहाफ में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि आप एडॉप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं और किस बच्चे का एडॉप्शन आप करना चाहते हैं, और वो उसका कारण भी उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि किस कारण से आप एडॉप्शन करते हैं, और ये पिटीशन फाइल होके कोर्ट में फाइल किया जाता है। उसके बाद जो छठा स्टेप है उसमें होता है प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर। इसमें आप जो है अब आपको उस बच्चे के अभी तक जो केयर टेकर हैं, जो भी सोशल वेलफेयर एजेंसी के लोग हैं या किसी ऑर्फेन हाउस के लोग हैं, वो जो अभी तक उस बच्चे की देखभाल कर रहे थे, वो उस बच्चे के बारे में कुछ डिटेल जानकारी आपको देंगे कि बच्चे का पसंद नापसंद क्या है, कौन सा खाना पसंद करता है, क्या इसका ड्रेस है, किस टॉय से खेलता है, ये सब जानकारी आपको मिलती है ताकि आप उस बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल कर पाए। उसके बाद जो सातवां स्टेप है उसमें है कोर्ट हियरिंग। इसमें एक कैमरा के अंदर कोर्ट में उस बच्चे के एडॉप्शन से संबंधित सुनवाई होती है, और ऑनरेबल जज के द्वारा कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि आप क्यों एडॉप्ट करना चाहते हैं, आपके घर का माहौल कैसा है, या जो भी जज को लगे कि इस एडॉप्शन से संबंधित जरूरी सवाल है वो पूछते हैं। इसमें पहले एक प्रक्रिया थी कि माननीय जज साहब आपको कहते थे कि पहले जो है आप कुछ बच्चे के नाम से कुछ जमा राशि जमा कीजिए, या कुछ उसके नाम पर कोई भी फिक्स बॉन्ड कीजिए, इस तरह का कुछ कुछ बातें थी। लेकिन इसमें थोड़ा अभी लिबर्टी दी गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब आपका होम विजिट वेरिफिकेशन हो गया है तो शायद आप सक्षम हैं बच्चे का ख्याल रखने के लिए, तो इसमें कुछ छूट दी गई है। तो कोर्ट हियरिंग जब पूरी हो जाती है और ये रिकॉर्डेड कैमरा के अंदर होता है ताकि सब कुछ पारदर्शी हो, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर इशू होता है जिसमें आपको एडॉप्शन का परमिशन मिलता है और आप उस बच्चे को अब गोद लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर यह प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। कोर्ट ऑर्डर के बाद जब बच्चा आप अपने घर ले जाते हैं तो आप वो सोशल वेलफेयर कमेटी अगले 2 सालों तक आपको फॉलो करती है कि आप बच्चे का प्रॉपर केयर कर पा रहे हैं कि नहीं, और बच्चा और आप लोग कंफर्टेबल हैं कि नहीं, और 2 साल तक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से कंप्लीट माना जाता है। लेकिन इस दौरान अगर आप अपना पता चेंज करते हैं, यानी अपना घर कहीं शिफ्ट करते हैं, तो आपको
सोशल वेलफेयर कमेटी को ये जानकारी देनी होती है कि आप नए पते पर जा रहे हैं, ताकि वहां आपका फॉलो अप हो सके। अब इसमें बात कर लेते हैं कि खर्च कितना आता है। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में करीब 1,000 का खर्च आता है। होम विजिट के लिए आपको सोशल एजेंसी को 4,000 रुपये का खर्च आता है। और अगर कोई वेलफेयर कमेटी पहले से उसका ख्याल रख रही है, तो उस एजेंसी के वेलफेयर फंड में आपको 40,000 रुपया डोनेट करना होता है। लेकिन अगर आप किसी अपने ब्लड रिलेटिव के बच्चे को गोद ले रहे हैं, तो इसमें ये खर्च बच जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें एक पीडियाट्रिशियन का क्या रोल होता है। तो पीडियाट्रिशियन जो है, जो भी प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं, उनके बच्चे उनको मोटिवेट करते हैं कि हाँ, वो बच्चे को गोद ले सकते हैं। इसके अलावा वो जो भी बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, वो जो बच्चे को झाड़ी या इस तरह के सार्वजनिक स्थानों में बच्चे को फेंक देते हैं, उसके लिए डिस्करेज करते हैं कि वो ऐसा ना करें। अगर आप किसी बच्चे को नहीं पालन पोषण कर सकते, तो उसके लिए एक प्रक्रिया है। आप नजदीक के सोशल वेलफेयर कमेटी में जाकर उस बच्चे को सौंप सकते हैं, जहां उस बच्चे की प्रॉपर देखभाल होगी। और अगर कोई इच्छुक माता पिता गोद लेना चाहे, तो वो उनको गोद ले सकते हैं और बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे का पूर्ण स्वास्थ्य जांच करना एक पीडियाट्रिशियन की जिम्मेदारी है। और उसे कोई भी अगर कॉन्जेनाइटल डिजीज या किसी भी तरह का इलनेस अगर एक पीडियाट्रिशियन को पता चलता है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, उन्हें सही सही उस बीमारी के बारे में बताएं और उस बीमारी के प्रोग्नोसिस के बारे में भी बताएं कि आने वाले समय में इस बच्चे को और क्या दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ डिजीजेज हैं जिनका विंडो पीरियड होता है। मान लीजिए आज उन्होंने बच्चे को गोद लेने का डिसीजन लिया, तो HIV और हेपेटाइटिस बी का जांच 3 महीने के बाद फिर से करा लेना है, ताकि इस तरह की कोई बीमारी उसको नहीं हो। इसके साथ साथ बच्चे के केयर से संबंधित काउंसिलिंग करना पीडियाट्रिशियन की जिम्मेदारी है, ताकि एक स्वस्थ बच्चा को गोद लिया जाए और बच्चे का जो बर्थ राइट है कि राइट टू लाइव लिव, वो पूरा हो सके। तो मुझे लगता है कि एडॉप्शन से संबंधित जितनी क्वेरी थी, उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है। ये सारी जानकारी भारत में, अगर आप भारत के नागरिक हैं और यहाँ पर गोद लेना चाहते हैं, वैसे पेरेंट्स के लिए है। अगर कोई विदेशी पेरेंट्स भारत में किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया अलग है। उसके बारे में हम लोग फिर से किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से समाज में जो बच्चे रोड पर या झाड़ी पर फेंक दिए जाते हैं, या उनके केयर से संबंधित अगर कोई इंटरेस्टेड है और उनको इस जानकारी से लाभ होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा या जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।